अगला दोहा जो है वो मेरा इसी प्रकार का है, इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण अगर आपका बिगड़ रहा है तो आपको क्या करना है? MPMLA जाए मिलाओ हाथ, उद्योगपति सुने नहीं चल के कर लो बात। यदि मिल का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, उद्योगपति आपकी बात नहीं सुनता है, आपके सुझावों को गंभीरता से नहीं लेता है, आपके प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देता है, तो फिर आपको वहीं रुकना नहीं है, अपना प्रयास जारी रखना है। आप अपने क्षेत्र के MLA से मिलें, सांसद महोदय से मिलें, उनको अपनी पीड़ा बताएं और उनको ये कहें कि आप चलें हमारे सामने रूबरू बात हो और अंतिम निर्णय जनमानस के, समाज के, गांव के लोगों के फेवर में निकले। हमारे स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने का कोई अधिकार किसी फैक्ट्री वाले को नहीं है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आप अपने क्षेत्र के MLA MP को अपने साथ लेकर के उद्योगपति से संपर्क करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि भविष्य में इस फैक्ट्री के लगने से क्या क्या हानियां बनेगी, क्या क्या हानियां समय समय पर नई नई पैदा होती रहेगी और हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे, कौन सी हानि कंट्रोलेबल है, कौन सी नॉन कंट्रोलेबल है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे तभी और भली भांति समझ करके आत्मसंतुष्टि के साथ ही आपको इन फैक्ट्रियों को लगाने की अनुमति के संबंध में भी विचार होना चाहिए कि क्या फैक्ट्री यहाँ लगाना उचित है या थोड़ा सा दूर ले जाना, इधर उधर स्थानांतरित करना भी क्या उचित है। ये बड़े बड़े ठोस निर्णय होते हैं लेकिन उनका जो निर्णय जो बनता है वो इन्हीं चीज़ों के आधार पर बनता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप हमारे अपने क्षेत्र के नेताओं को सहयोग लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के अपनी बात, अपनी पीड़ा उनके माध्यम से उन लोगों तक, फैक्ट्री के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ ताकि शीघ्र ही अच्छा निर्णय हो सके। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।